क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 4x माइनस 5y इज इक्वल टू k, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इफ द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि जो ये दोनों ही इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन के इक्वेशन है, तो आपको k के वैल्यू बताना है। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ये, इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है, एक है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू k और एक है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, b की वैल्यू माइनस 5 आ गई और c, तो ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा, c1 की वैल्यू k। ऐसे दूसरे इक्वेशन में a2 की वैल्यू हम ले लेंगे, कितना a x के साथ रहने वाला जो नंबर है वही a2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ऐसे b2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 3 और c2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 12। ठीक, तो अब a1 अपॉन a2 यानी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा 4/2। ऐसे b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -5/-3, तो ये कट के हो जाएगा 2 और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू 5/3। ठीक, क्योंकि a1 अपॉन a2 की वैल्यू था 2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू थी 5/3। अब c1 अपॉन c2 का कोई यहाँ पे प्रभाव ही नहीं होता है। ठीक, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू अगर देखें तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू k/12। ठीक, जहाँ पे k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो लिख देंगे ऐसे, सो k कैन हैव एनी रियल वैल्यूज, यानी कि k के पास कोई भी रियल नंबर का वैल्यू हो सकता है, इधर वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।